हेलो दोस्तों, मैं हूं किशोर। जैसे कि आपने GitHub 3 का अनबॉक्सिंग देखा ही होगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जाएंगे GitHub 3 को हेलमेट पे कैसे लगाते हैं और इसके अलावा बाकी एक्शन कैमरास को भी हेलमेट पे कैसे माउंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले देखेंगे कि हमें इसको हेलमेट पे कैसे माउंट करना है। हमें पहले तो ये नज़र रखना है कि आपका जो हेलमेट का जो चेन का साइज है वो कितना होता है, क्योंकि दो टाइप के माउंट आते हैं, 2 से 2.5 इंच के बीच में भी आपका जो हेलमेट का चेन का साइज है। यहाँ पे अगर स्पेस है तो आप उसको अच्छे से लगा सकते हैं। यहाँ पे ये बड़ा से बड़ा माउंट भी लग जाता है, ये आपका परफेक्ट 2 से 2.5 इंच का साइज है। अगर इससे कम का भी साइज रहता है तो आप इस माउंट को ऐसे भी लगा सकते हैं। ऐसे लगाने के बाद इसको आप सेटिंग कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप हम इस पर ये लगाएंगे और ये हम 3 टाइप से लगा सकते हैं, एमसील के सपोर्ट से, बॉन्डटाइट के सपोर्ट से, या फिर इसको माउंट करने के बाद यहाँ पे जो गैपिंग्स आती है यहाँ पे हम डबल टेप को कट करके उसको डुअल फोल्ड करके साइड से प्रेस कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। पहले हम एमसील से इसको फिट करेंगे। ये मेरा हेलमेट है, मैं इस पर फिट करने जा रहा हूँ। ये माउंट है, ये इसका डुअल टेप है, इसको हम पहले इस पर माउंट करेंगे। इसका जो ये येलो वाला साइड है इसको हमें इस पर स्टिक करना है। पहले इसको हम इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ये स्ट्रेट आपको देखते हुए लगाना है। इसको इसी कॉर्नर से आपको प्रेस करना है। फिर ये जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट ये आपको रिमूव करना है। ये जल्दी निकलता नहीं है तो आप किसी शार्प पार्ट से इसको रिमूव कर सकते हैं। ये हम रिमूव कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे परफेक्ट इसको थोड़ा सा गैप देते हुए लगाएंगे, सेंटर मैच करते हुए। तो प्रेस कर देंगे। अब इसमें जो गैप आता है ये इस गैप को हम एमसील या बॉन्डटाइट है, बॉन्डटाइट या एमसील इसको आप यहाँ पे फिल करना है। इसको अगर आप बॉन्डटाइट से करते हैं इसमें क्या होता है, ये लिक्विड है, जब आप इसमें डालते हैं थोड़ा टपकता है तो उसको आपको संभालना होता है। इसलिए मैं इसको एमसील से कर रहा हूँ, थोड़ा हार्ड रहता है। इसको आप प्रॉपर प्रेस कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। उसमें आपको मालूम ही होगा एमसील कैसे यूज़ किया जाता है। इसमें 2 पाउच होते हैं, इन दोनों को हमें सेम क्वांटिटी में निकाल के मिक्स करना होता है। मिक्स कर लिया। इस एमसील को इस कॉर्नर पे प्रेस करना है और इसको ऐसे दबा के खींचना है, इस शेप पकड़ लेता है। सेम सेकंड साइड। इसे फिनिशिंग देने के लिए आप इससे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस पर पानी मार के इसको सेट कर सकते हैं। इसको आप अपने हल्के हाथों से कुछ इस तरह से करेंगे तो ये फिनिशिंग में आ जाता है। देखिए एकदम अच्छे से स्मूथ हो गया अभी। ऐसे आपको चारों तरफ कर देना है। फिट हो गया है। अब इसमें हम जे हुक को फिट करेंगे। ये जॉ के लिए सबसे बेस्ट हुक होता है, आप सादा हुक भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको एक्सटेंशन सेटिंग्स का यूज़ करना पड़ता है। जे हुक इसमें इस तरह से लगेगा, इसको निकाल देना है। हमें स्ट्रेट वाला इधर ये थोड़ा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप डायरेक्ट अगर कैमरा लगाते हैं तो ये पीछे की तरफ टिल्ट नहीं होता है। तो अगर आप ये लगाते हैं तो इसको आप सेटिंग कर सकते हैं। हमने अभी देखा ये स्ट्रेट आपने, अगर आप इसको अभी क्रॉस लगाते हैं तो उसको सेटिंग कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। क्रॉस माउंट है, इसमें आपको ये लगाना है इस तरह से। और इसमें हम एक क्रॉस एक्सटेंशन लगाएंगे यहाँ पे।
हम इसमें वापस अभी स्ट्रेट एक्सटेंशन लगाते हैं। क्रॉस एक्सटेंशन ने इसको सीधा करने का काम किया और स्ट्रेट ने उसको हाइट बढ़ा के सेटिंग देने का काम किया है। ये हम इस पर अटैच करेंगे, अब इस पर ये कैमरा आ जाएगा। ये आपका क्रॉस में माउंट आपका क्रॉस है और कैमरा सीधा है। आपका हेलमेट पे कुछ इस तरह से यहाँ लग जाएगा, कैमरा आपका सीधा माउंट क्रॉस है।